असल माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू आर आर डूइंग गुड सो डियर फ्रेंड्स आप सबको पता होगा हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबलिटी आप सबको पता होगा ये टॉपिक सिर्फ मैथामेटिक्स के पोर्शन में नहीं है बट स्टेस्टिक्स के पोर्शन में भी हैं सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमने मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स डिस्कस की थी तो आज हम डिस्कस कर आई होप कि आपको वो सब समझ आया होगा आज हम यहाँ पे यहाँ से हमें आज डिस्कस करना है इक्वली लाइकली आउटकम्स तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स इक्वली लाइकली इवेंट्स, सॉरी इक्वली लाइकली इवेंट्स इसका मतलब होता क्या है अगर आपको कोई दो इवेंट्स हैं तो हम कब बोलेंगे कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो ऑल इवेंट दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इसका मतलब क्या है अगर आपके पास कितने भी इवेंट्स हैं तो सारे इवेंट्स को ऑकरिंग यानी कि अगर आपके पास कोई इवेंट्स इवेंट हैं उन इवेंट्स यानी कितने भी इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को कहते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनके इक्वल चांसेस होते हैं हैपनिंग की या नॉन हैपनिंग यानी कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा उसके कितने चांसेस हैं वो सेम टू सेम होते हैं जो चांसेस इस इवेंट की हैं जो होगा और वो बराबर हैं जो चांसेस दूसरे इवेंट की हैं जो इवेंट नहीं होगा तो उनकी चांसेस सेम होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको समझ नहीं आएगा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपने अभी एक कॉइन को टॉस किया ये कॉइन है आपके पास जब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा तो जितना इस हेड को आने की चांसेस हैं उतना बराबर इस टेल को आने की चांसेस हैं तो जब आपने कॉइन ऊपर फेंका जब आपने कॉइन ऊपर फेंकी तो वो जब नीचे आ जाएंगी तो जितनी चांसेस हेड के हैं उतनी चांसेस टेल के भी हैं यानी कि हेड भी आ सकता है और उसके 50% परसेंट चांसेस हैं अगर टेल हम लेंगे तो उसके भी बराबर 50% परसेंट चांसेस हैं उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स ओके okay, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन इज इक्वली लाइकली इवेंट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल और इक्वल तो जितने हेड के आने की चांसेस हैं उतना टेल के भी आने की सेम सेम ही चांसेस हैं उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स ओके डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी क्वेश्चन में आपको ये काम आ जाएगा तो इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से इवेंट किसी इवेंट की आपको प्रबेबलिटी निकालनी है तो ये किसके बराबर होता है फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कितने इवेंट्स हैं जो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उनका टोटल करना है और उसको लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स ये जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैं ये आपको अगर आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी तो वो आपको हमेशा फ्रैक्शन में मिलेगा आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होल नंबर में नहीं आएगा यानी कि आपको टू थ्री फोर वन ये नहीं मिलेगा आपको एंड सो ऑन ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं मिलेगा अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है तो वो आपको किस में आ जाएगा फ्रैक्शन में फ्रैक्शन क्या होता है पार्ट ऑफ ए होल यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ होता है और डिनोमिनेटर में और कुछ होता है डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ओके डियर स्टूडेंट्स ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर एग्जाम्पल इसके इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे अबेग कंटेन्स एक बैग है उसमें थ्री रेड बॉल्स हैं रेड हैं थ्री बॉल्स और फोर हैं ब्लैक बॉल्स ठीक है डियर स्टूडेंट्स और टू हैं ब्लू बॉल्स आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की ब्लैक बॉल्स की और ब्लू बॉल्स की तो ये जो यहाँ पे ये रेड ब्लैक ब्लू ये क्या है यही इन्हीं को हम इवेंट्स बोलते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमें इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स ऊपर मैंने जो ये फॉर्मूला बताई नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है कैसे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे रेड बॉल्स की तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पे लेना है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं यानी कि इस जो रेड रेड बॉल्स है यहाँ पे उनको कितने इवेंट्स फेवर करते हैं वो कितने हैं यहाँ पे रेड वो है थ्री ओके okay? तो ये आपको लेना है थ्री डिवाइड बाई क्या करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने रिजल्ट आ सकते हैं वो क्या होता है कितने बॉल्स हैं यहाँ पे तो थ्री प्लस फोर प्लस टू इतने हैं क्या पॉसिबल आउटकम्स ये आपको डिवाइड करना है वही मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस फोर प्लस टू टू विच इज़ इक्वल टू थ्री बाई जब इसको ऐड करोगे तो आपको नाइन मिलेगा और इसको कैंसिलेशन करो थ्री वन आर थ्री 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 आर नाइन वन बाई थ्री इज़ योर आंसर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाई थ्री क्या ये फ्रैक्शन में आया यस yes, एग्जैक्टली exactly. तो ये निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की यहाँ पे अब दूसरा है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ब्लैक बॉल्स की तो क्या कैसे निकालना है फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स का मतलब क्या होता है कितने बॉल्स यहाँ पे हैं जो ब्लैक हैं जो फेवर करते हैं इस इवेंट को तो इवेंट हैं ब्लैक के रिलेटेड तो उतना ही लेना है आपको यहाँ पर वो कितने हैं फोर डिवाइड क्या करना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो यहाँ पे कितने हैं डियर स्टूडेंट्स वो हैं थ्री प्लस फोर प्लस टू दैट इज नाइन तो वो आ जाएगा फोर बाई नाइन ओके अब यहाँ पे थर्ड क्या निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू बॉल्स तो ब्लू बॉल्स कितनी है यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है जो ब्लू बॉल्स हैं वो है यहाँ पे टू डिवाइड करना है टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स वो है नाइन तो ये इसका आंसर है सिंपल था एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा टू कॉइंस और साइमन साइमटेन्यूसली तो दो क्वाइंस टॉस की गई हैं एक साथ ही व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एट लीस्ट एक हेड एक हेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बट डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कहा गया है एट लीस्ट ये एट लीस्ट का मतलब क्या है आप यहां पे एक ट्रिक याद रखो एट लिस्ट जो अगर दिया गया होगा उससे आप यहां पे दिमाग में रखो कम से ज्यादा कम है एटलीस्ट यहां से आपको, वन, तो वन, वन आपको ज्यादा जो होगा वन से बड़ा जो होगा वो भी आपको लेना है यहां पे तो एट लिस्ट का मतलब क्या होता है कम से ज्यादा पहले कम उसके बाद ज़्यादा उसके बाद ज़्यादा उन सब को आपको प्लस करना है वो होता है लीस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है यहाँ पे कॉइन्स की बात हो रही है तो टू टाइम्स टू कॉइंस यहाँ पे टॉस की गई है तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा डियर स्टूडेंट जब टू कॉइन्स हम टॉस करते हैं वो आता है सैम्पल स्पेस वो है फॉर्मूला याद है टू पावर कितने टा कितनी कितने कॉयंस स्टॉक्स किए हैं दो कॉइन स्टॉक्स किए हैं तो टू पावर टू इज फोर याद है कल ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा कितने सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे फोर सैंपल पॉइंट्स क्या क्या हेड टेल टेल हेड 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 एंड टेल टेल ये आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस मिलेगा लेकिन आपको क्या निकालना है आपको निकालना है यहां द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन तो कम से ज्यादा कम से ज़्यादा मीनस आपको एक हेड यहाँ पे एक एट लीस्ट एक हेड होना ही चाहिए इट मीनस एक से ज्यादा आपको यहां पे लेना है तो एक से ज्यादा हेड्स यहाँ पे लेना है आपको एक इसमें है एक हेड इसमें है इसमें दो हेड हैं क्या ये उसमें आ सकता है यस yes एग्जैक्टली exactly, मैंने आपको बोला कम से ज्यादा तो कम लेना है उसके बाद जो अगर ज़्यादा भी होगा वो भी लेना है तो यहाँ पे वन हेड वन हेड यहाँ पे टू हेड ये भी आएगा क्या टेल टेल आ जाएगा नो डियर स्टूडेंट उसमें हेड कोई भी नहीं है तो ये नहीं आ सकता है तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पे जो ये आपने ये हेड हेड जिनमें हैं ये क्या होते हैं फेवरेबल है आउटकम्स तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं वो हैं थ्री और टोटल आउटकम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर ओके तो आंसर क्या आएगा थ्री बाई फोर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे वो है थ्री बाई फोर फ्रैक्शन में आया येस yes. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे लगता है एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो डियर स्टूडेंट्स और ये जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये कंपटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया तो आपको क्या करना है बहुत इजी है बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो तो यहां भी क्वेश्चन है व्हाट इज द चांस डेट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 थ्री तो आपको यहां पे चांस निकालना है कि एक लीप ईयर लीप ईयर आप सबको पता होता है एक लीप ईयर अगर हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली तो उसमें कितने, उसमें 53 थ्री व्हाट वट इज द चांस आपको बोलना है कि चांस कितना है वट इज द चांस निकालना है आपको यहाँ पे तो आप सबको पता हो, होगा कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज याद रखा तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज अभी से याद रखो तो आपको यहाँ पे 53 संडेज हैं कुछ तो अगर आप 52 टू कम्प्लीट वीक्स निकालोगे 52 टू कंप्लीट वीक्स वो क्या आएगा 52 टू आपको कंप्लीट वीक्स निकालने हैं उसमें कितने डेज आएंगे तो एक एक वीक में सेवन डेज आते हैं तो फिफ्टी टू वीक्स फिफ्टी टू वीक्स में कितने डेज आपको मिलेंगे इसको मल्टीप्लाई करो सेवन से यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है थ्री के बदले यहाँ पे टू हैं फिफ्टी टू मैंने किया मल्टीप्लाई ठीक बट दिमाग में, में मुझे था फिफ्टी टू ही लेकिन लिखा फिफ्टी थ्री सॉरी फॉर दैट वहां पे आप क्या करना टू थ्री के बदले आप टू लिखिएगा ओके okay? तो 52 को 7 आपको मल्टीप्लाई करना है क्यों आपको यहाँ पे 52 कंप्लीट वीक्स निकालने हैं 52 कंप्लीट वीक्स निकालने हैं उसमें देखना है कि कितने दिन आएंगे तो वो आते हैं 7 टू और 14 वन इज केरी सेवन फाइव और 35 फाइव प्लस वन इज 36 तो 364 डेज हैं कितने वीक्स में 52 कंप्लीट वीक्स में तो यहाँ पे कितने लेकिन लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं टोटल 366 डेज लेकिन यहाँ पे आपको 364 ही डेज़ मिले तो कितने डेज अभी एक्स्ट्रा ही हैं अभी कितने डेज बाकी हैं वो हैं टू डेज़ क्यों 364 और ये दो डेज ऐड करो वो मिलेगा आपको 366 डेज तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं बट जब आपने 52 टू कम्प्लीट वीक्स लिए तो उसमें आपको यहाँ पे कितने डेज मिले 364 तो दो दिन एक्स्ट्रा हैं इन दो दिन को हम कैसे लेंगे वो होते हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सीखना है तो वो जो ये दो दिन एक्स्ट्रा हैं वो हो सकते हैं संडे या मंडे संडे एंड मंडे, या मंडे एंड ट्यूसडे, या ट्यूसडे एंड वेन्सडे या वसडे एंड थर्सडे थर्सडे एंड फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे एंड संडे। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे तो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये लेकिन हमें निकालना है पहले फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे आपको सन्डेज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे जो ये आउटकम्स आपने निकाले उसमें किस किस में संडे आती है तो ये फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है यहाँ पे संडे यहाँ पे संडे तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो हैं दो और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टू बाई सेवन इज़ योर करेक्ट आंसर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पे क्या करना है पहले देखना है लीप ईयर में कितने डेज आते हैं और उसके बाद करना है 52 अगर हम कम्प्लीट वीक्स लेंगे उसमें कितने डेज मिलेंगे आपको 364 तो दो दिन एक्स्ट्रा हैं वो दो दिन क्या हो सकते हैं या वो सनडे या मंडे हैं या मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे वनसडे एंड so सो ऑन सैटरडे या थर्सडे तो अब आपको फेवरेबल ये हिसाब क्या है ये है पॉसिबल आउटकम्स तो सात पॉसिबल आउटकम्स हैं लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहां पे आपको संडेज की बात हो रही है तो यहाँ पे इवेंट जो है वो फेवर करता है संडे की ओर तो आपको इन इवेंट्स में देखना है संडे कहाँ कहाँ पे है क्या यहाँ पे संडे है नो no, ये है मंडे ट्यूजडे यहाँ पे ट्यूजडे वेन्सडे तो संडे जिसमें है वो है फेवरेबल आउटकम्स वो इन इसमें है फर्स्ट इवेंट में और लास्ट इवेंट में तो फेवरेबल आउटकम्स क्या टू और टोटल कितने हैं इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट प्लीज आप यहां पे अच्छे से समझिएगा इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो आपको याद रखना है जिनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हमें किसी इवेंट का इसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक नंबर आता है और वो नंबर लाई करेगा जीरो और वन के दरमियान जीरो वन नहीं आ सकता है बट उसके बीच में वो नंबर लाई करेगा बिटवीन जीरो एंड वन ओके दैट इज़ हम उसको कैसे डैट इज़ लिखेंगे मैथामेटिकली जीरो इज लेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ़ इवेंट लेस और इक्वल टू वन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन ऐसे होगा आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन तो फिर ऑप्शनज होंगे नीचे ज़ीरो इज ले सॉर इक्वल टू पी प्रोबिलिटी ऑफ इवेंट लेस ऑर इक्वल टू वन टू इज़ ले सॉर इक्वल टू प्रोबाबिलिटी ऑफ इवेंट लेस ऑर इक्वल टू थ्री एंड सो ऑन तो आपको टिक किसको को करना है जीरो इज और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और इक्वल टू वन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो लाई करेगा जीरो और वन के बरा बीच में तो ये ज़ीरो यहाँ पे लोअर लिमिट है वन है अपर लिमिट तो इसी के बीच में जो आपकी प्रोब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो इसी के बीच में लाई करेगा अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इन ए सैम्पल स्पेस इज़ वन जो आपका सैम्पल स्पेस होता है बताया था मैंने सैम्पल स्पेस के बारे में उसमें क्या आते हैं पॉसिबल आउटकम्स तो वो क्या होता है एक सेट की तरह हम लिखते हैं वो सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट हो जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक सेट बनाते हैं तो वो हमारा होता है सैम्पल स्पेस तो उसमें जो वो इवेंट्स होते हैं उसमें जो सैम्पल स्पेस में जो इवेंट्स होते हैं अगर हम उन इवेंट्स का सम लेंगे ऐड करेंगे तो वो आपको बराबर मिलेगा वन के बराबर क्या मतलब है अगर आप अभी एक इवेंट लेते हो ई वन ई टू दूसरा इवेंट है सो ऑन ई एन लास्ट इवेंट है अगर आप इनको प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ये आपको बराबर आएगा वन के बराबर तो याद रखा यहाँ पे सिंपल है कि आपको जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे उसको सम करेंगे वो वन के बराबर मिलेगा डेयर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्ज़ाम में तो याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं ए और बी तो अगर आपको ये क्वेश्चन में ये ये जो ये यहाँ पे फॉर्मूला है जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो जो क्लास फोर्थ एग्जाम था ट्वेंटी सेवन्थ को जो एग्ज़ाम था तो वहाँ पे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया इस फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में बट ये फार्मूला आपको याद रखनी है तो डियर स्टूडेंट्स क्या है मैंने आपको ये आपके साथ ये फार्मूला डिस्कस की थी सेट्स में अगर आपको याद होगा एन ऑफ ए यूनियन बी वहाँ पे एन कॉर्डीन हम निकालते थे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है देखिए डियर स्टूडेंट्स टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं वहाँ पे नंबर ऑफ कॉर्डिनलिटी की बात हो रही थी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपके पास अब दो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको अगर ये यह यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी यूनियन मीनस आर ओके okay? सारे एलिमेंट्स ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन मीनस कॉमन एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस करना है आपको निकलेगा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो यह याद रखा फार्मूला याद रखिएगा तो नेक्स्ट क्या है फॉर अनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं डिसजॉइंट प्रीवियस ही लेक्चर मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में तो डिजॉइंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है उनमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है कॉमन एलिमेंट्स वहाँ पे फाई कल ही जब हमने ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखे तो वो फाई के बराबर आया तो यहाँ पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आपके पास दो इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं यानी कि डिजॉइंट इवेंट्स हैं वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो आएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर की ही फार्मूला है बट यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में नहीं होते हैं दैट इज़ वाई यहाँ पे ये फार्मूला फार्मूला ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये किन के लिए है ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो अगर आपको कोई भी इवेंट होगा उसके लिए ये फार्मूला है लेकिन अगर आपके पास आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा तो आपको ये फार्मूला यूज करनी होगी वहां पे ओके okay? अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट क्या है प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसका मतलब क्या होता है कि एक इवेंट की हपनिंग की चांसेस कितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हपनिंग एन इवेंट प्लस मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई उस ई e के ऊपर मैंने कुछ डैश बार डाला इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट तो इसका मतलब क्या होता है नॉट नॉटनिंग एंड इवेंट जब एक इवेंट नहीं होगा उसके कुछ चांसेस नहीं होंगे उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ओके तो अगर यहां पे आप ये फार्मूला याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनिंग एंड इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हपनिंग एंड इवेंट ये हमेशा बराबर होता है वन के बराबर ये मैंने आपको ऊपर ही समझाया जब मैंने बताया था लाइकली इवेंट्स जब मैंने बताया था कि एक अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइन टॉस करेंगे तो वहाँ पे हपनिंग ऑफ इवेंट की चांसेस बराबर होते हैं नॉट हपनिंग ऑफ इवेंट्स तो यही है ना इसके जब 50 परसेंट चांसेज़ हैं हपनिंग ऑफ इवेंट के 50 परसेंट चांसेस हैं इसके भी 50 परसेंट चांसेस हैं अगर आप उनको प्लस करोगे वो वन के बराबर आएगा ना डियर स्टूडेंट्स क्यों मैंने बताया था जितने चांसेस इस हेड के हैं उतने ही चांसेस टेल के भी हैं तो जब आपने क्वाइन टॉस किया जितने हेड के आने की चांसेस हैं उतने टेल के भी आने की चांसेस हैं तो अगर इसके फॉर एग्जांपल 50 परसेंट चांसेस हैं तो वही 50 परसेंट इसके भी हैं क्योंकि इक्वली होते हैं चांसेस तो जब आप उनको ऐड करोगे वो आपको वन के बराबर आएगा ना यही फार्मूला यहाँ पर मैंने बताई कि प्रॉबलिटी ऑफ एन इवेंट हपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबिलिटी ऑफ नॉट हपनिंग ऑफ एन इवेंट वो हमेशा वन के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स तो ये exam, ये क्वेश्चन्स में यूज़ होता है इसलिए ये फ़ॉर्मुला याद रखो। इसके बाद है अनलाइकली इवेंट्स unlikely events का मतलब क्या होता है? ये जो ये unlikely events हो हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्लोज़ तू जीरो होती है जीरो के बराबर नहीं, जीरो नहीं होगा, but क्लोज़ तू जीरो। ठीक है? तो unlikely events की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हैं? क्ल जीरो अब लाइकली इवेंट्स की बात अगर हम करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी होती है क्लोज टू वन वन नहीं होगा एग्जैक्टली exactly वन के बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी बट क्लोज टू वन ओके दैट इज जीरो पॉइंट नाइन 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 ऐसे ही कुछ ठीक है उसके बाद है इवन चांस यहाँ पे मैंने लिखा है इवन चांस क्या क्या मतलब होता है अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोज होगी जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि वन बाई टू तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे इवन चांस ओके तो मतलब यहां पे क्या आएगा अगर आप अभी कॉइन टॉस करोगे तो जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही चांसेस किसके हैं टेल की चांसेस हैं तो उसके भी 50 परसेंट हैं इसके भी 50 परसेंट हैं हेड के भी 50 परसेंट टेल के भी 50 परसेंट तो इसको हम क्या बोलेंगे 0.5 चांसेस फाइव हैं हेड के भी 0.5 चांसेस फाइव हैं टेल के भी वही वन के बराबर आएगा या हम बोलेंगे वन बाई टू हैं चांसेस हेड है, के वन बाई टू हैं चांसेज टेल के जब उसको एड करोगे वह आपको वन के बराबर आएगा जो आपने ऊपर पढ़ा ओके डियर स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पे है अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो आपको, आपने क्या किया आपने एक कॉइन किया टॉस जब आपने कॉइन टॉस किया आपको वहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की भी और टेल की भी बोथ हेड एंड टेल जब आपको दोनों वहाँ पे निकालना है हेड की टेल हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी वो आता है ज़ीरो के बराबर क्यों जीरो के बराबर क्यों क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बूथ हेड तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वहाँ पे हेड की और टेल की भी तो वो कहाँ पॉसिबल है एक ही साथ आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की भी और टेल की भी कैसे निकाल सकते हो एक ही कौ, टॉस कॉइन जब टॉस करोगे तो वो ज़ीरो के बराबर आता है उसके बाद है अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ़ हेड निकालनी है वो वन बाई टू आएगा ऊपर ही बताया था अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की निकालनी है वो वन बाई टू आएगा और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ईदर हेड और टेल इट मीनस हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वन के बराबर आएगा ये कुछ फैक्टर्स हैं ये आपको याद रखिएगा तो यहाँ पे मैंने ये है ये देखिएगा आप यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है अगर हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे इस लाइन को बीच में डिवाइड करेंगे 50 से और यहाँ पे हैंड्रेड लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो तो मैंने आपको यहाँ पे अनलाइकली समझाया और लाइकली समझाया अनलाइकली क्या होता है जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्लोज़ टू जीरो होगा तो वो अनलाइकली होगा तो ये अनलाइकली लाइक करता है ज़ीरो और फिफ्टी के बीच में और लाइकली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है क्लोज़ टू वन तो वो यहाँ पे लाइक करेगा इस फिफ्टी और हंड्रेड के बीच में फिफ्टी यहाँ पे नहीं आएगा लेकिन क्लोज टू हंड्रेड होगा इस साइड ये लाइक करेगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स आई होप यहां तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर होगा प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना और मैं फिर से आपको रिपीट करूँगी लेकिन ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि तब जाके आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा ओके डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एंजॉएबल ट्रिक यहां पे देखेंगे आपको मजा आ जाएगा अमेजिंग एंड सुपर फास्ट ट्रिक है यहां पे बट रिलेटेड टू कॉइनस जो भी आपको कॉइनस के रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा वो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व होगा ट्रिक क्या है थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कि लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ मज़ा आएगा तो आप याद रखोगे इस लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा है तो यहाँ पे देखिएगा करना क्या है इस ट्रिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा आपको जल्दी जल्दी लिखना है टू थ्री फोर एक अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आपको पता है हेड आएगा या टेल आएगा तो एक की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे वो सिंपल है कॉमन सेंस है तो वो लॉजिकल है। आप वहाँ पे वो क्वेश्चनस एक जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो यहाँ पे टू से हम स्टार्ट करेंगे जब आपके पास दो कॉइन्स हैं तो उनको टोटल आउटकम्स क्या हैं जब आपने दो कॉन्ज़ लिए मैंने आपको ऊपर ही फार्मूला बताई थी जब आप कॉइन्स लेते हो तो फेसेस कितने हैं टू फेसेस। तो यहाँ पे कितनी कॉइन्स ली हैं दो कॉइन्स वो पावर में लिखना है वो उसको पावर में लिखना है तो ये करो टू टू आर फोर वही मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या होते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स ओके तो जब आपने ये लिखा है यहाँ तक ठीक है ओके उसके बाद आपको फेवरेबल आउटकम्स लेना है ये टेबल बनाना है क्वाइनस पहले न, पहले बॉक्स में सेकंड में टोटल आउटकम्स थर्ड में फेवरेबल आउटकम्स तो टोटल का आउटकम्स आपको समझ आया अब फेवरेबल आउटकम्स आप कैसे निकालोगे आपको आँख कर, बंद करके लिखना है अलेवन उसका स्केयर स्केयर क्यों क्योंकि दो बार कॉइन टॉस की है बस यहाँ पे आपको याद रखना है अलेवन आपको लेना है अलेवन याद रखा अलेवन को क्या करना है पावर जितने काइन्स हैं ठीक है तो वो सॉल्व करो अलेवन क्रॉस अलेवन इज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी वन ठीक है उसके बाद अगर आपके पास आप तीन कॉइन्स हैं जब आपके पास तीन कॉयनज हैं तो उनको टोटल आउटकम्स हम कैसे निकालेंगे टू टू फेसेस हैं तो कॉइन्स कितने ली हैं थ्री कॉइन्स ली हैं तो टू को तीन बार मल्टीप्लाई करना है इस पावर का मतलब क्या होता है इतने बार जितना पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम्स आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो है टू टू आर फोर फोर टू आर एट तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं एट उसके बाद आपको क्या करना है फेवरेबल आउटकम्स में अलेवन लेना है खुद ही उसको पावर में क्या लिखना है जितने कॉइन्स हैं तो वो क्या बराबर आएगा वन थ्री थ्री वन उसके बाद आपको क्या करना है अगर आपके पास आप फोर कॉइनज हैं तो सिंपल लिखना है टू पावर फोर वो आएगा सिक्सटीन और फिर आंख बंद करके लिखना है अलेवन उसको पावर में लिखना है कितने कॉयनज हैं वो हैं फोर इसको सॉल्व करो वन फोर सिक्स फोर वन आएगा तो आप ये याद रखो आप एग्जाम में आप कहाँ फिर अलेवन का टेबल पढ़ोगे अलेवन को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लीज़ आप ये ये तीन आप याद रखो क्योंकि क्वेश्चन आते हैं सिर्फ चार कॉन्स के रिलेटेड जब चार कॉयंस टॉस करते हैं फाइव सिक्स वो नहीं आता है बस इतने ही तक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे यह क्या याद रखना है वन ट्वेंटी वन वन थ्री थ्री वन वन फोर सिक्स फोर वन इतना याद रखा ये हैं फेवरेबल आउटकम्स ओके डियर स्टूडेंट्स जब आपने ये ट्रिक याद रखी उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करो आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी बट नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस एक क्वाइन दो बार टॉस की गई है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड आपको पताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एट लीस्ट एक हेड मिलेगा या क्या प्रोबेबिलिटी है आपको सेम फेस मिलेगा या नो टेल तो कैसे करना है आपको सैम्पल स्पेस यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो उसकी उससे क्या करना है आपको सैम्पल स्पेस बनाना है तो टाइम लगेगा उसमें फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है देखना है हेड्स कितने हैं वो क्या है ये क्या है वो आप नहीं करना है यहाँ पे बस क्या करो ये ट्रिक याद रखो ज़बरदस्त ट्रिक याद रखो आपके सारे क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको एट एटलीस्ट वन हेड कॉइन कितनी बार टॉस हुई है ट्वाइस टू बार टॉस हुई है तो यहाँ ट्रिक में जाओ तो टू बार कॉइन टॉस हुई है तो ये वाला है तो इसमें फेयरबल आउटकम्स कितने हैं पूरा देखिएगा क्या करना है वन ट्वेंटी वन इसको लो यहाँ पे वन टू वन थोड़ा सा दूर दूर लिखना लिखा मैंने वन उसके बाद आपको एक लाइन मारनी है हॉरिजेंटल लाइन वन टू वन के नीचे आपको एक लाइन लेनी है फिर क्या करना है फिर आपको यहाँ इस साइड लिखना है हेड और हेड कितने हैं पहले लिखना है जीरो वन टू स्टार्ट करना है जीरो से तो ये जो यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा है उसके बीच उसके उसके नीचे आपको लिखना है हेड है जीरो हेड है वन एंड टू फिर आपको इस साइड से आना है टेल लिखना है यहाँ से टेल क्या है जीरो वन टू ट्रिक समझ आई क्या बोला मैंने जो ऊपर टू जब टू कॉइन्स टॉस की गई हैं वहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो लेना है यहाँ पे वन टू वन है उसको थोड़ा सा दूर दूर लिखो फिर हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो फिर हेड्स लो और यहाँ पे टेल्स हेड कितने हैं जीरो वन टू टेल्स कितने हैं जीरो वन टू इतनी ही ट्रिक है बस और कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐट लीस्ट वन हेड ऐट लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से ज़्यादा ठीक है यानी कि वन हेड से ज़्यादा ठीक है तो जो वन हेड वन या उससे ज़्यादा होगा वो आपको लेना है देखो कैसे क्या करना है यहाँ पे हेड की बात हो रही है तो आपको इसमें जाना है इसमें आपको इस टेल के साथ अभी कुछ भी नहीं है आपको हेड की लाइन के साथ है तो वो क्या है यहां पे आपको एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड कहाँ पे है ये है वन हेड। तो बट एटलीस्ट लीस्ट है उससे ज्यादा भी आपको लेना है तो टू हेड भी इसमें आएगा उसके बाद आपको क्या करना है जो वन के ऊपर नंबर है वो लो वो टू है जो टू के ऊपर नंबर है वो भी लो वो वन है इन दोनों को प्लस करो ये होते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड क्या करना है आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो यहाँ पे क्या है वो फोर है ना अगर यहाँ पे आपको याद नहीं रहेगा तो क्या करो ये जो ये वन टू वन लिया इसको प्लस करो वन प्लस टू प्लस वन तो ये क्या मिलेगा आपको फ़ोर तो ये हैं पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स क्या आया आपको वन हेड है और टू हेड हैं उसके ऊपर कौन सा नंबर है इसके ऊपर कौन सा नंबर है इन दोनों को प्लस करो वो आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा तो वो थ्री आया तो प्रोबेबिलिटी क्या आई थ्री बाई फोर सिंपल है डियर स्टूडेंट्स तो बहुत सिंपल है ट्रिक से अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस सेम फेस निकालना है आपको ये पता नहीं है हेड है या टेल है सेम फेस की बात हुई है तो ये हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है तो सेम फेस है एक ही फेस है वो यहां पे क्या है यहां पे देखिएगा तो यहाँ पे सेम फेस जब दो कॉइन्स टॉस की हैं तो हेड हेड है ना सेम फेस या टेल टेल है ना सेम फेस हेड टेल नहीं आएगा टेल हेड नहीं आएगा तो सेम सेम फेसेस क्या है हेड हेड है, टेल टेल तो वो ये है यहाँ पे दो हेड्स दो टेल्स सेम फेस ही हैं यस एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या नंबर हैं वो है वन इसके ऊपर क्या नंबर है वो भी है वन इन दोनों को प्लस करो ये है वन प्लस वन इज टू वो आपको मिलेगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वही मैंने यहां पे लिखा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टू है डिवाइड बाई करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन तीनों को प्लस करो वो आपको फोर मिलेगा ये आपका आंसर है अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल टेल नहीं कोई भी टेल नहीं है तो आपको टेल की टेल की यहां पे लाइन में जाना है तो नो no टेल की बात हो रही है दैट मीनस जीरो टेल तो जीरो के ऊपर कौन सा नंबर है इस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर कौन सा नंबर है वो है वन तो ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम वही मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड बाई क्या करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकमस वो इसको प्लस करो वन प्लस टू प्लस वन वो आपको मिलेगा फोर तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल यहाँ पे निकला वो है वन बाई फोर आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में तो जो बाकी क्वेश्चन हैं मैं आपको कल फिर से ये ट्रिक थोड़ा सा समझाऊंगी और हम और कुछ क्वेश्चनस इस ट्रिक से सॉल्व करोगे जो एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वो अमेजिंग ट्रिक किसके लिए डाइस के क्वेश्चन के लिए जो भी आपको डाइस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी ट्रिक हैं उसके बाद हम कार्ड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो बॉल्स पढ़ेंगे है, इतना ही प्रोबेबिलिटी में आता है तो डरना नहीं है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको कई जगह पे कंफ्यूजन होगा या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ओके डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़